नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पर्यावरण के इस वीडियो में कक्षा एक विषय माई बॉडी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हेड यानी कि सिर, कान यानी कि ears, आंख, आंख को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई, हैंड, हैंड को क्या बोला जाता है, हाथ, हाथ से हम बहुत सारे काम करते हैं ना बच्चों। फिर ये है हमारी प्यारी सी नाक, नोज, माउथ, मुंह, मुंह से हम बातें करते हैं, सबको पता है ना। ये है फिंगर्स यानी कि उंगलियां, और लास्ट में पैर यानी कि लेग। तो ये है हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंग। आप सबने इन सब को पहली कक्षा में जरूर पढ़ा होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं और इनके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज या गतिविधियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये देख रहे होंगे कि ये लड़का भाग रहा है और दौड़ रहा है, पर ये कौन से अंग का इस्तेमाल कर रहा है जिससे ये भागता है? जी हाँ, पैर। ये देखिए ये कितने ध्यान से सुन रहा है। सुनने के लिए कौन सा अंग इस्तेमाल होता है? हाँ जी, हमारे कान। और ये देखिए प्यारा सा बच्चा तरबूज खा रहा है। इसने अपने दोनों हाथों से तरबूज को पकड़ा हुआ है और मुंह से खा रहा है। तो ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो कि हम अपने शरीर के अंगों द्वारा करते हैं। अब हम बात करते हैं अच्छी आदतें या गुड हैबिट्स के बारे में। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, ये गुड हैबिट है। और कुछ आगे हैं, शौचालय का उपयोग करने के बाद हम हाथ साबुन से जरूर धोएं, दिन में दो बार ब्रश करें, रोज नहाना चाहिए, शैम्पू का प्रयोग करें ताकि आपके सिर के बाल और त्वचा हमेशा साफ रह सके। ये जब हम अच्छी आदतें अपना लेते हैं तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह पाते हैं। फिर है आते हैं हमारी अच्छा व्यवहार यानी कि हमारा गुड बिहेवियर। अच्छे संस्कार और अच्छी आदतों वाले बच्चे हर को पसंद आते हैं। आप जब सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को, और रात को सोने से पहले अपने पेरेंट्स को गुड नाइट बोलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना, और वो भी आपको बड़े प्यार से वापस जवाब देते होंगे। अच्छा, जब हमें किसी से उपहार मिलता है या कोई हमारी मदद करता है तो हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, थैंक यू। थैंक यू बोलने से हम अपना आभार प्रकट कर रहे होते हैं। फिर और क्या अच्छा व्यवहार है कि हमें कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। हमें अपने कमरे को साफ रखना चाहिए, चाहे वो हमारा स्कूल का कमरा हो या घर का कमरा। तो पता चला कि किस तरह से अच्छा व्यवहार यानी कि गुड बिहेवियर से हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। और अच्छे बच्चे किसको पसंद नहीं आते, सबको आते हैं ना बेटा। तो चलिए